हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो गाइज कोई इवेंट अपडेट पर नहीं होने वाली है, बल्कि आज की वीडियो के अंदर गाइज मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर गाइज आप लोग यहाँ पर एज वेरिफिकेशन के अंदर जाते हो एंड अभी के टाइम पर गाइज अगर आप लोगों ने बिलो 80 करके रखा है, मतलब 18 साल से कम उम्र करके यहाँ पर रखी है एंड अभी आप लोग यहाँ पर ज़्यादा करना चाहते हो, मतलब अबो 80 करना चाहते हो, तो गाइज वहाँ पर आप लोगों का जो OTP है वो यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो रहा, मतलब आप लोगों की ID के ऊपर OTP नहीं आ रहा, फोन के ऊपर OTP नहीं आ रहा। तो उसका गाइस सॉल्यूशन क्या होने वाला है वो मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग जरूर से अंत तक देख लेना। तो चलिए गाइस हम लोग फटाक से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई देखो, यहां पर OTP ना आने का एक मेन रीजन ये हो सकता है कि आप लोगों का जो टाइम पीरियड है वो यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ होगा। अगर गाइज आप लोगों ने बिलो 80 करके रखा है, 18 साल से कम करके रखा है, तो फिर गाइज आप लोगों को यहाँ पर 30 दिनों का एक टाइम पीरियड देखने को मिलता है। 30 दिनों के बाद ही आप लोग यहाँ पर जो मतलब चेंज है वो कर सकते हो। अगर बिलो 80 है तो आप लोग अबो 80 कर पाओगे जब भी आप लोगों के 30 दिनों का जो टाइम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले आप लोगों को चेक कर लेना है कि आप लोगों का टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हुआ है। अगर 30 दिन कंप्लीट नहीं हुए होंगे तो आप लोगों का यहाँ पर जो अबो 80 है वो नहीं हो पाएगा। ये तो हो गया गाइज टाइम पीरियड की बात। अभी गाइज आप लोगों का टाइम पीरियड अगर कंप्लीट हो चुका है फिर भी आप लोगों को OTP नहीं आ रहा, तो फिर गाइज आप लोगों को यहां पर क्या करना है, आप लोगों की ID जो भी प्लेटफॉर्म से लिंक है, मान लो कि यहां पर मेरी ID Facebook से लिंक है, तो गाइज आप लोगों को Facebook के ऊपर जाकर चेक कर लेना है, Google से है तो Google के ऊपर जाकर चेक कर लेना है कि आप लोगों की जो एज है वहां पर आप लोगों ने जो डाली है वो 18 साल से प्लस है या फिर 18 साल से कम है। अगर 18 साल से कम है तो आप लोगों को यहां पर जो एज है उसको चेंज कर देना है, मतलब ऐसी डेट आप लोगों को डाल देनी है जैसे भाई मतलब गरेना को ऐसा लगे कि भाई 18 साल से प्लस हो चुका है। ओके, तो आप लोग जैसे ही वहां पर डेट को चेंज करोगे तो आप लोगों का यहां पर जो OTP है वो आप लोगों को रिसीव हो जाएगा। अगर फिर भी रिसीव नहीं होता फिर गाइज आप लोगों को यहां पर जो आप लोगों का नंबर है उसको चेक कर लेना है कि आप लोगों ने जो नंबर डाला है वो गाइज उसका आधार या फिर वोटर आईडी कार्ड, मतलब जो सिम कार्ड है वो दो तरीके से यहां पर निकलते हैं, एक तो आधार कार्ड से निकलता है दूसरा वोटर आईडी से निकलता है। तो गाइज आप लोगों को वो नंबर को चेक कर लेना है कि नंबर कौन सा है। अगर आप लोगों ने अपना नंबर डाला होगा तो फिर गाइज आप लोगों के आधार कार्ड के अंदर तो 18 साल से कम ही उम्र रहेगी। तो जब भी आप लोग मतलब जेन्यून ट्रिक से नहीं मतलब आप लोग सच में जब भी 18 साल से प्लस हो जाओगे तभी आप लोगों का जो OTP है वो आप लोगों को रिसीव होगा। अगर आप लोगों ने अपने पेरेंट्स का नंबर डाला है तो फिर गाइज तो यहां पर कोई दिक्कत आप लोगों को होगी ही नहीं, बट गाइज अगर आप लोगों ने अपने आधार कार्ड का नंबर डाला होगा फिर गाइज आप लोगों को यहां पर जब भी आप लोग सच में 18 साल से प्लस हो जाओगे तभी आप लोगों को यहां पर जो OTP है वो रिसीव होगा। तो गाइज ये कुछ ट्रिक है जिससे आप लोग यहां पर अबो 80 कर पाओगे। बट गाइज देखो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ये सारे तरीके अपना चुके हो फिर भी आप लोगों को OTP रिसीव नहीं हो रहा, फिर गाइज यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं ये आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है गरेना वालों की। क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा भाई फ्री फायर मैक्स के अंदर से जो डाटा है वो फ्री फायर इंडिया के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी वजह से गाइज आप लोगों को शायद अभी के टाइम पर जो OTP है वो रिसीव नहीं होगा। जिनका गाइज यहां पर बिलो 80 है वो बिलो 80 नहीं रहेगा, जिनका अबो 80 है उनका अबो 80 नहीं रहेगा। जैसे गाइज फ्री फायर इंडिया लॉन्च हो जाएगा जिसका गाइज डेट बताया जा रहा है 1 नवंबर, तो गाइज आप लोगों को 1 नवंबर को यहां पर जो OTP है वो रिसीव हो जाएगा, कोई भी आप लोगों को दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। बट गाइज देखो मैं आप लोगों को एक टेम्पररी सॉल्यूशन बताता हूं, अगर आप लोगों को ज्यादा गेम खेलनी है तो फिर गाइज आप लोगों को यहां पर फ्री फायर जो नॉर्मल फ्री फायर है उसको खेलना होगा। बट गाइज देखो उसमें ना थोड़ा रिस्क है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई देखो आप लोगों ने फ्री फायर मैक्स के अंदर सिलेक्ट करके रखा है बिलो 80, मतलब आप लोग 18 साल से कम उम्र के हो, तो फिर गाइज आप लोगों के आईडी के ऊपर गरेना है वो चेकअप करेगी, मतलब आप लोगों के आईडी के ऊपर अबनॉर्मल एक्टिविटीज होगी। क्योंकि आप लोगों की एज बिलो 80 है मतलब 18 साल से कम है, तो फिर आप लोग सिर्फ 3 घंटे ही खेल पाओगे, लेकिन आप लोग नॉर्मल फ्री फायर के अंदर 3 घंटे से ज्यादा खेलते हो तो फिर गाइज यहाँ पर आप लोगों के आईडी के ऊपर ना कुछ सस्पेंड वगैरह भी हो सकता है या फिर परमानेंट गरेना वाले बैन भी कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखो वो गरेना की नजर में तो अबनॉर्मल एक्टिविटी है, क्योंकि आप लोग बिलो 18 है फिर भी आप लोग यहाँ पर 3 घंटे से ज्यादा खेल रहे हो, तो फिर गाइज आप लोगों के आईडी के ऊपर कुछ मतलब हो सकता है। तो रिस्क लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। 1 नवंबर को यहाँ पर फ्री फायर इंडिया लॉन्च हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर अपनी जो एज है उनको यहाँ पर मतलब वेरीफाई कर पाओगे, अबो 80 कर पाओगे, तो आप लोग कोई भी टेंशन यहाँ पर मत लो। बाकी जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताए वो अप्लाई करके आप लोग देख लेना, अगर
अगर फिर भी नहीं होता तो एक बार यहाँ पर क्लियर डेटा एंड क्लियर कैच करके देख लेना, शायद आप लोगों को जो ओटीपी है वो रिसीव हो जाएगा। अगर फिर भी ओटीपी रिसीव नहीं होता तो फिर गाइस आप लोगों को फ्री फायर इंडिया का वेट करना पड़ेगा। फ्री फायर इंडिया जैसे आ जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर जो ओटीपी है वो रिसीव हो जाएगा। कोई भी यहाँ पर जो दिक्कत का सामना है वो आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। बाकी ये वीडियो के लिए तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो के अंदर से तो यार वीडियो को लाइक एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला जो बेल नोटिफिकेशन है उसे जरूर से प्रेस कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।